नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के द्वारा GNM एवं लैब टेक्नीशियन की विभिन्न पदों पर UTP पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। UTP अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर चयन हेतु GNM या लैब टेक्नीशियन की विज्ञप्ति, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। UTP अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर चयन हेतु विज्ञप्ति 15/5/2021। COVID-19 महामारी के कारण UTP आधार पर COVID-19 के नियंत्रण अथवा वित्तीय वर्ष 2021-2022 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, निम्न पदों पर आवेदन गूगल फॉर्म में आमंत्रित किए जाते हैं। पदनाम GNM एवं लैब टेक्नीशियन। GNM पदों की संख्या 74 जबकि लैब टेक्नीशियन की 10 रखी गई है। GNM में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी में 12वीं उत्तीर्ण, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से पंजीकृत GNM या BSc नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन पद के लिए 12वीं उत्तीर्ण एवं DMLT एवं MLT उत्तीर्ण होना चाहिए। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी नीचे दिए हुए गूगल लिंक के माध्यम से गूगल फॉर्म दिनांक 20/5/2021 तक ऑनलाइन सबमिट करें। प्राप्त आवेदक की 12वीं के प्राप्त प्रतिशत का 50% एवं डिग्री या डिप्लोमा तकनीकी योग्यता के प्राप्त प्रतिशत का 50% के आधार पर वरिष्ठता यानी मेरिट सूची 1.25 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु कट ऑफ मार्क्स के आधार पर बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 24/5/2021 को प्रातः 10 बजे जिला परिषद धौलपुर के सभागार में आवेदक को COVID-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। पदों में निम्नानुसार आरक्षण निम्न प्रकार होगा। GNM पद के लिए यहाँ पर सामान्य जो वर्ग हैं, OBC वर्ग है, ST वर्ग, SC वर्ग, EWS, MBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गूगल फॉर्म भरने के बाद आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय ही अपने मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं सत्यापित प्रति कार्यालय में लेकर उपस्थित होवे। आवेदन राज्य की पोर्टल dholpur.rajasthan.gov.in के तहत GNM लैब टेक्नीशियन की भर्ती हेतु गूगल फॉर्म लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची इसी पोर्टल पर देखी जा सकती है। अब बात करेंगे हम आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को UTP अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर चयन हेतु GNM लैब टेक्नीशियन के आवेदन के लिए गूगल फॉर्म दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ GNM LT और ऑन UTP ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर धौलपुर। अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए हमें आवेदन करना है उस पर हमें टिक लगाना होगा। इसके पश्चात एप्लीकेंट अपना फुल नेम लिखेगा, फादर्स नेम लिखेगा, मैरिटल स्टेट, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, अदर कैटेगरी, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10th, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑब्टेन, मार्क्स ऑफ 10th, परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10th, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 12th, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 12th, परसेंटेज मार्क्स ऑफ 12th, डिप्लोमा या डिग्री, डिप्लोमा इन नर्सिंग, GNM डिग्री इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग, DMLT एंड BSc MLT, जो भी डिग्री आपके पास है उस पर टिक करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स डिप्लोमा या डिग्री, ऑब्टेन मार्क्स डिप्लोमा या डिग्री, परसेंटेज मार्क्स डिप्लोमा डिग्री, रजिस्टर्ड विथ
RNCRP, MC या अदर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रिमार्क इफ एनी सबमिट पर क्लिक करके हम आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इस वेबसाइट पर पहुंचकर ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEB तजसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।